त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास पर थे तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। ये क्यों किया था ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब माता सीता रावण की कैद में थी तो माता सीता के साथ एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट व पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमता के साथ माता सीता को संभाला। तो चलिए आज हम माता त्रिजटा के बारे में जानते हैं। त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में भिन्न भिन्न विवरण सुनने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण व उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया था। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण व विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। किसी भी बात को प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि उसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण न मात्र थे। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी में अपने पुष्पक विमान पर उठाकर लाया था तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा माता त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई। वह सभी राक्षसियों की प्रमुख बन गई। रामायण में त्रिजटा की भूमि भी यहीं से शुरू होती है, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वह आम जनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई थी तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थी। यह देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया था व माता सीता को आश्वासन दिया था। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली व उनका विलाप कम हुआ था। वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। वह हर पल माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। अंत में भगवान श्री राम व दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ व भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इसके पश्चात विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया व उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। त्रिजटा माता सीता के जाने से दुखी तो थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता माता के साथ जब पुष्पक विमान में अयोध्या जा रही थी तो सीता माता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता माता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहां उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और फिर उनकी पूजा वहां पर एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहां मंदिर में त्रिजटा माता की रोज पूजा की जाती है। महिलाएं इस मंदिर में मनोकामनाएं पूरी होने के लिए आती हैं। यहां त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह उज्जैन में भी माता त्रिजटा का एक मंदिर है जो बालवीर हनुमान मंदिर के परिसर में है। यहाँ त्रिजटा देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।